अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। जी हाँ, मैं हूँ शरीफा यास्मीन यानी कि एस वाई। डॉक्टर हिना आपको नजर आ रही है, मेरे साथ ही मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट। बात शुरू करेंगे और ये पार्ट टू है हमारा। पार्ट वन में हमने पीएमएस के हवाले से बात की थी, उसी का पार्ट टू है। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रीजंस है, कॉजेज है कि भाई ये होता ही क्यों है। बात तो हम जरूर करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सेगमेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। आइए मिलते हैं डॉक्टर हिना से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं कॉजेज के हवाले से, और यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है कि अगर आपने हमें आज ही ज्वाइन किया है या अभी आप पहली दफा हमारा वीडियो देख रहे हैं तो पार्ट वन अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा। ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहां पर doctee.com का फोल्डर मौजूद है जहां पर डॉक्टर हिना के तमाम शोज जो कि गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हैं उसके हवाले से मौजूद है। जी डॉक्टर हिना, रीजंस क्या क्या, वजूहत क्या होती है, किसी में इतना ज्यादा किसी में इतना कम, क्या प्रॉब्लम क्या है? हमने लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया था डिटेल में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जैसे 50% खवातीन में जो है बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और बिल्कुल वो इग्नोर हो जाते हैं और उसको कोई ज़्यादा नहीं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती, और रेस्ट 20-25% ऑफ वुमेन में थोड़े मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं जो कि फील होते हैं, जिनको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है कंसल्ट करने की, उनको कुछ सप्लीमेंट्स या मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। और जो थर्ड टाइप की जो कि बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स होते हैं उनको इग्नोर हो भी नहीं सकते और उनको इग्नोर करना भी नहीं चाहिए, और उस कंडीशन में ये हम पीएमएस नहीं कहते, इसको हम पीएमडीडी कहते हैं। अच्छा। जैसे प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर होता है, इसमें हमें कभी कभार मेडिकेशंस तो हमें देनी ही पड़ती हैं विद सप्लीमेंटेशन एंड एडवाइस एंड एवरीथिंग, लेकिन उसके साथ साथ हमें साइकेट्रिक ओपिनियन साइकेट्रिक इंटरवेंशन की जरूरत भी पड़ सकती है। यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा घबराते हैं कि एक लेबल लग जाएगा कि ये कोई साइकेट्रिस्ट के पास कहीं है, स्पेशली अनमैरिड लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनकी माएँ जो है वो छुपाती हैं और वो उनको प्रॉपरली टाइमली ट्रीट नहीं करती हैं, उसकी वजह से जाके आगे उनकी फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, उनके हॉर्मोन्स की वजह से उनकी प्रेगनेंसीज में इश्यूज होते हैं और उनकी रिलेशनशिप्स इस वजह से बहुत ज्यादा खराब होती हैं। तो इस चीज को छुपाने से और मसला हल नहीं होगा, जो फैक्ट है, एक चीज एग्जिस्ट करती है, तो इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए और टाइमली ट्रीट करना चाहिए, डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग बाय टेकिंग अ साइकेट्रिक ओपिनियन, देयर इज नथिंग रॉन्ग एट ऑल। हर इंसान, हर नॉर्मल इंसान को वंस इन अ वाइल लाइफ में कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे होते हैं, और अगर वो उसके लिए कंसल्ट करते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हम लोगों को अपना माइंड सेट चेंज करना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स के, स्पेशली मदर्स एंड मदर इन लॉज, उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि दे मस्ट चेंज देयर माइंड सेट्स सो दैट के आगे जाके उनकी जनरेशंस जो भी हैं उनकी उनको ज्यादा हेल्दी लाइफ स्टाइल मिल सके। देखिए, एक जो आपने माइंडसेट की भी बात की और फिर साथ में ये जो छुपाने की बात है, या साइकेट्रिस्ट के पास चले गए तो जी दीवाने ही वहाँ जाते हैं या जो दीवाना हो जाता है उसको लेके जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काउंसलिंग का एक वो होता है, कहना चाहिए एक स्टेप होता है जिससे जो भी अंदर एक प्रॉब्लम आ रही होती है इंसान को, वो आप एक हेल्प ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि जो अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आप में से कोई दीवाना होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के कॉजेस के, ठीक है, कि ये क्यों होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। इसका मैकेनिज्म ये है कि फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं हर औरत के जिस्म में, जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी होंगे इसके नाम, जो दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स रोल प्ले करते हैं एक फीमेल के जिंदगी में, इनको सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ये जब सेक्रीट हो रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में ये प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पीक कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा इनकी सेक्रीशन हो रही होती है, और एट द सेम टाइम हम सबका ब्रेन जो है वो दो केमिकल्स रिलीज करता है, सेरोटोनिन एंड डोपामिन। ये दो केमिकल्स वो हैं जो कि रिएक्ट करते हैं इन फीमेल सेक्स हार्मोन्स के साथ और कुछ डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, जो कि कुछ चीजें जो है वो साइकोलॉजिकली अफेक्ट होती हैं और कुछ फिजिकल सिम्टम्स जो कि हम पिछले प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं वो होते हैं। और वन मोर थिंग, कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं फीमेल के, वो किडनी के लेवल तक
काम कर रहे होते हैं, मतलब कि वो किडनी के इलेक्ट्रोलाइट्स को भी इम्बेलेंस कर देते हैं, उसकी वजह से वाटर रिटेंशन हो रही होती है और ब्लोटिंग की जो फीलिंग होती है वो इस वजह से होती है कि किडनी के फंक्शंस को और उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसकी वजह से स्वेलिंग फील हो रही होती है कुछ खवातीन को और ब्लोटिंग वाली फीलिंग हो रही होती है क्योंकि किडनी के फंक्शंस के साथ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉजेज हमने यही डिस्कस किए थे कि उन खवातीन में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं जिनकी हिस्ट्री होती है पहले से डिप्रेशन की हिस्ट्री होती है, कोई और साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक इलनेस की हिस्ट्री होती है, कोई इमोशनल एब्यूज की हिस्ट्री होती है, कोई चाइल्डहुड ट्रेजेडी की हिस्ट्री होती है जिनमें या कोई किसी और किस्म के फिजिकल या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है, वहाँ पर ये ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करती हैं वो पेशेंट्स। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी कि क्या इसकी वजह से किडनी को इश्यूज़ हो सकते हैं? नहीं, किडनी को इश्यूज नहीं हो सकते, किडनी इज बेटर टू गेट इट ट्रीटेड। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो फिर वो ये होगा कि स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी पूरी बॉडी। हाँ, पूरी बॉडी में, मतलब कि लोअर लिम्स में, टांगों में, पाँव में, और इवन ओवरऑल पूरा एक स्वॉलन सी फीलिंग शुरू हो जाएगी, और मतलब कि विच इज नॉट नॉर्मल एंड फिजियोलॉजिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि वो हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, कि हार्मोन्स बहुत ज्यादा पीक हो रहे हैं उस वजह से हो रहा है, और हार्मोन्स के पीक होने की वजह से भी स्वेलिंग हो सकती है, लेकिन इस बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। और फिर सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर वो डॉक्टर जो है वो ये कंफर्म कर देता है आपको कि ये वाकई आपके पीरियड्स की वजह से हो रहा है, मतलब कि इज इट अ पार्ट ऑफ योर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या इज इट रियली समथिंग रॉन्ग गोइंग रॉन्ग विद द किडनी, उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं टू रूल आउट द डिजीज। इसी तरह से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जब डायग्नोज हो जाता है तो फिर उसको हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी वजह से किडनी पे कोई असर हो। सही, क्योंकि हमारे जो देखने वाले, मैंने कहा वो खौफजदा ना हो जाए कि हमारी किडनी कहीं जा रही है शायद, तो ये सवाल करना बड़ा जरूरी हो गया था। नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन हॉर्मोन्स जब बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं बॉडी के अंदर तो वो आपकी किडनी के फंक्शंस के साथ इंटरफेयर जरूर करते हैं, और दिस इज द रीजन आपको स्वेलिंग फील होती है, ब्लोटिंग फील होती है, और एक सोलननेस फील हो रही होती है। अच्छा, कुछ खवातीन में ये भी होता है कि जिस तरह पीरियड स्टार्ट होने से पहले लोअर और अपर एब्डोमिन जो है वो दोनों भी थोड़ा सा निकला हुआ होता है, और जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं वो ऑटोमेटिकली अंदर भी चला जाता है। यही रीजन है, सही में सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये ब्लोटिंग इसी को कहते हैं, और यही चीज फील हो रही होती है, थोड़ी सी स्लाइटली ओवरी स्वेल हो रही होती है, बट वो इतनी कोई स्वेलिंग नहीं होती कि वो प्रोमिनेंटली एब्डोमिन पे नजर आए, वो सोलन थोड़ी सी वो भी हो रही होती है ओव्यूलेशन से पहले, लेकिन बेसिक रीजन फ्लूइड रिटेंशन है बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स विद द किडनी फंक्शंस। सही, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब डायग्नोस किस तरह से करेंगे? डायग्नोस हम ऐसे करेंगे कि पेशेंट जब हमारे पास आती है या कोई बच्ची आती है अपनी मदर के साथ, तो सबसे पहले तो हमें वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल सच सही सिम्टम्स बताएगी अपने, और अगर उसे याद नहीं रहते तो शी शुड रिकॉर्ड इट इन अ जर्नल, और वो लेकर आए और फिर हमें पढ़ के सुना दे अगर उसे वो है कोई नहीं याद रह रहा या वो भूल जाती है कोई चीज़, और बिल्कुल सच और बिल्कुल सही हिस्ट्री देगी हमें तो हम डायग्नोज कर सकेंगे। अगर वो चीज़ें छुपाएगी और उसकी मदर चीज़ें छुपाएंगी हमसे, तो आप डॉक्टर से अगर कुछ छुपाएंगे तो आपका अपना नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं होगा, किसी भी डॉक्टर का कोई नुकसान नहीं होगा, मैं तो नेक्स्ट पेशेंट देख लूंगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई पेशेंट, आप जा ही डॉक्टर के पास इसीलिए रहे हैं ताकि आप अपने आप हेल्प सीक कर सकें, मेडिकल हेल्प, जो कि आप खुद घर बैठे नहीं कर सकते, आपको एक डॉक्टर एडवाइस कर सकता है, और डॉक्टर से ज्यादा सिंसियर आपको कौन एडवाइस देगा? देखो, तो हाँ, आप एक डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप किसी और डॉक्टर के पास जा सकते हैं, यू कैन डू दिस। लेकिन ये है कि आप अगर चीजें छुपाएंगे और नहीं बताएंगे, डॉक्टर से ही छुपाएंगे, तो फिर आगे डॉक्टर इज हेल्पलेस, वो आपको हेल्प आउट नहीं कर सकेगा और आपका प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल सच सच बताना है कि आपको क्या फील होता है, क्या फीलिंग्स होती हैं, चाहे आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, चाहे फिजिकल इश्यूज हैं। फिर हमें डायग्नोज हम इस बेस के ऊपर करते हैं कि ये वाकई आपको पीरियड से वन वीक पहले हो रहे हैं या फिर ये होते ही रहते हैं। इसमें डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। फिर हम दूसरी इलनेसेस की तरफ भी हमारा माइंड जा सकता है। कुछ
पेशेंट्स में ये होता है कि कुछ बेसिक टेस्ट करवाने बहुत जरूरी होते हैं, जैसे जो ब्लड पिक्चर हम करा के देख लेते हैं, बेसिक ब्लड का टेस्ट होता है वो करवा लेते हैं, थायराइड फंक्शंस करवा के देखते हैं, क्योंकि थायराइड फंक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ उस थायराइड हार्मोन्स जो है वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स के साथ, और वो काफी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में। तो हम थायराइड फंक्शंस करवा के देख सकते हैं कि कहीं उसमें कोई इशू तो नहीं है, ब्लड का टेस्ट करवा के हम देख लेते हैं, और कभी कभार जरूरत होती है तो हम एक अल्ट्रासाउंड भी करा के देख लेते हैं अगर हमें लगता है कि रूल आउट करने की जरूरत है। सही। और माइल्ड केसेस में तो मैं इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से काउंसलिंग के अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, और ये सब चीज़ें करवाने के बाद हम रूल आउट कर सकते हैं डिजीज़ को कि ये वाकई प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, या ये प्री मेंस्ट्रुअल डायफोरिक डिसऑर्डर है, या फिर ये कोई और डिजीज़ है, या फिर ये कुछ भी नहीं है, जस्ट ऐसे ही फंक्शनल जिसको हम कहते हैं, जिसमें कुछ होता नहीं है लेकिन एक बस ओवर फीलिंग हो रही होती है किसी चीज की। कुछ पेशेंट्स में ये भी होता है, यूजुअली ऐसा नहीं होता, ये होती है कंडीशन और पीरियड से पहले होती है, तो फिर इट शुड बी टेकन नोटिस ऑफ। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जिस तरह डॉक्टर हिना आपको बता रही थी कि डॉक्टर से कुछ छुपाना चाहिए, वैसे भी कहावत मशहूर है, एक डॉक्टर और एक वकील, इन दोनों से कुछ मत छुपाएं, उसमें आप ही का नुकसान है, उसका कुछ नहीं जाना, तो इस चीज को एक तो मद्देनजर रखें। दूसरा, बहुत सी लड़कियां ये कहती हैं हमें तो शर्म आती है, हम कैसे बोलें, तो देखें आपकी जिंदगी, आपकी जान या आपकी सेहत से बढ़कर वो चीज नहीं है। डॉक्टर से एक लफ्ज भी छुपाना, एक चीज भी छुपाना, फिर वो कुरेद कुरेद के आपसे पूछे, उसके बाद आप बोले हाँ ऐसा तो हुआ था, तो डॉक्टर को आता है गुस्सा, क्योंकि वजह ही होती है कि आप खुद से वो तमाम चीजें नहीं बताती। इलाज उस वक्त आसान हो जाएगा जब आप अपनी डिटेल पूरी तरीके से डॉक्टर तक पहुंचा। मैं आपको इंटरप्ट करूंगी यहाँ पे, गुस्सा नहीं आता, मसला ये होता है कि आप जब छुपा रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि आप क्या छुपा रहे हैं, हमें ऑलरेडी पता होता है कि आप क्या छुपा रहे हैं और हम वहां तक पहुंच जाते हैं, तो इसमें छुपाने का कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। हाँ, और अगर हम नहीं पहुंच सके वहां तक तो नुकसान आपका होता है, हमारा नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो डॉक्टर पूछता है, ये होता है नहीं नहीं हमें तो नहीं होता, और फिर थोड़ी देर बाद जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो कहते हैं हाँ ऐसा तो हुआ था, तो ये गलत चीज है बिल्कुल। और इस पर तो बहुत सारे लतीफे भी बन चुके हैं, 2500 और 3600 और पता नहीं क्या, तो ये खवातीन के साथ ये चीज एसोसिएट है। उम्र को मत देखें, आपका डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करना चाह रहा है, तो एज अपनी सही बताएं, अपने सिम्टम्स सही बताएं, जो भी आपके साथ हो रहा है, तो आपका इलाज बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पर हमारा वीलॉग एंड हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट जो वीलॉग होगा वो ट्रीटमेंट के हवाले से होगा, करना क्या है, अब करेंगे क्या, तो चलिए इसके लिए आपको part 3 हमारा देखना पड़ेगा इस शो का, doctor.com का। और अब शगफ़ा यास्मीन यानी SY और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे एक नए वीलॉग के साथ। खुदा हाफ़िज़।